दोस्तों कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन तंबाकू का विज्ञापन करने के लिए खूब ट्रोल हुए थे। लोगों ने अक्षय कुमार को इतनी खरी खोटी सुनाई थी कि उन्हें सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगनी पड़ी थी और एड से भी हाथ पीछे खींचना पड़ा था। वहीं ये मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि ट्विटर पर एक बार फिर इसकी चर्चा शुरू हो गई। दरअसल एक यूजर ने हाल ही में सड़क के किनारे लगे एक होर्डिंग की फोटो की और उसमें इन तीनों स्टार्स को टैग कर उन पर निशाना साधा, लेकिन इस यूजर ने एक गलती कर दी। इसने अजय देवगन की बजाय सुनील शेट्टी को टैग कर दिया, जिसके बाद एक्टर सुनील शेट्टी ने रिप्लाई करते हुए उस यूजर को करारा जवाब दिया, जिसके बाद उस यूजर ने सुनील शेट्टी से माफ़ी मांगी। दोस्तों दरअसल ट्विटर यूजर ने उस होर्डिंग की फोटो ट्वीट की जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान की फोटो छपी है। इसे शेयर करते हुए उसने लिखा, इतने ऐड देखे कि इस हाईवे पर अब गुटखा खाने का मन कर रहा है। और उसने इस पोस्ट में सुनील शेट्टी को भी टैग कर दिया और लिखा कि हेलो गुटखा किंग्स ऑफ इंडिया, शाहरुख, अजय और सुनील, आपके बच्चे को गलत तरीके से राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए आप पर शर्म आनी चाहिए। दोस्तों आगे इस यूजर ने लिखा कि भारत को कैंसर वाले देश की तरफ मत ले जाओ मूर्खों। दोस्तों इस ट्वीट में सुनील शेट्टी ने खुद को टैग पाकर मानो आग बबूला हो गए। दोस्तों यूजर को रिप्लाई करते हुए सुनील शेट्टी ने लिखा कि भाई तू अपना चश्मा एडजस्ट करवा ले या बदल ले। दोस्तों इस रिप्लाई के बाद उस यूजर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुनील शेट्टी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि भाई आपका फ़ैन होने के कारण आपका नाम सबसे ऊपर था और ये मेरी गलती थी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, आपको ढेर सारा प्यार। दोस्तों इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही तमाम नई सटीक और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।